भागवत गीता का 6ठा अध्याय। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, जिसको कर्म फल में आसक्ति नहीं है और फिर भी कर्मों को करता है, वह सन्यासी और योगी है। और जिसने हवन आदि लौकिक कर्म छोड़ दिए, वह कदापि योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसे सन्यास कहते हैं, उसी को कर्म योग जान, क्योंकि संकल्पों के त्याग किए बिना कोई योगी नहीं हो सकता है। जो ऋषि मुनि योगी प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनके लिए उनका साधन कर्म ही है, और उनके पूर्ण योगी होने पर उनका ज्ञान पूर्ण होने का साधन उनके चित्त का समाधान है। जब जब मनुष्य विषयों और कर्मों की आसक्ति से छूट गया हो, तब संपूर्ण वासनाओं को उसने त्याग दिया, उसी समय वह योगारूढ़ कहा जाता है। अपने ही अपना उद्धार करे और आत्मा को अपने से रोके, क्योंकि मनुष्य आप ही अपना मित्र और शत्रु है। जिसने विवेक से अपना मन अधीन कर लिया, वह स्वयं ही अपना कारी, और जिसने विवेक का परित्याग कर दिया है, वह स्वयं ही अपना शत्रु है। मन पर जीतने वाले शांत स्वभाव मनुष्य को जीत, उष्ण सुख दुख और मान और अपमान उनके होने पर भी बुद्धि अत्यंत स्थिर रहती है। जिसने ज्ञान विज्ञान से अपने अंतःकरण को तृप्त कर लिया है, जो निर्विकार हो गया है, वह सच्चा योगी कहलाता है। हृदय मित्र और शत्रु उदासीन द्वेषी मध्यस्थ द्वेष करने योग्य बंधुवर्ग साधु और पापी, इन सब में जो समान दृष्टि रखता है, वह श्रेष्ठ है। योगी पुरुष को मन और आत्मा को अपने वश में करके वासनाओं तथा समस्त प्रपंचों को त्याग कर किसी एकांत स्थान में बैठकर निरंतर चित्त को समाधि में लगाना चाहिए। आत्मशुद्धि के लिए योग करना अति उत्तम है। शरीर मस्तक और गर्दन को सम करके अचल होकर स्थिर होवे और अपनी नासिका के अग्रभाग को देखता हुआ सब दिशाओं से अपनी दृष्टि हटाए रहे, भय रहित होकर शांत चित्त से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, मन को रोककर मुझ में ही लीन होकर मन को योग में लगावे। इस प्रकार मन को वश में रखने वाले योगी को निरंतर योगाभ्यास करते रहने से मुझ में रहने वाले को निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो अधिक भोजन करता है या अनेक दिन उपवास करता है, जो बहुत देर तक सोता या जागता रहता है, उसको योग प्राप्त नहीं होता है। जो उपयुक्त आहार और विहार करता है तथा कर्मों का योग रीति से पालन करता है, तथा जो यथा समय सोता है जागता है, योग ऐसे पुरुष का दुख मिटा देता है। सब संयम को प्राप्त हुआ चित्त अपनी आत्मा में हो जाता है और मन कामनाओं से निवृत्त हो जाता है। तभी योगी को मोक्ष पद पा जाता है। और जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता है, उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका संयम करता है और अंतःकरण की समाधि लगाता है। जिस अवस्था में योगाभ्यास के कारण चित्त का वेग रुककर विषयों से पृथक होने लगता है, और जब शुद्ध अंतःकरण से आत्मा को देखकर आत्मा में ही संतुष्ट होता है, जिस अवस्था में वह अत्यंत सुख जो इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता वरन केवल बुद्धि से ही जाना जाता है, और जब वह योगी अनुभव करता है, तो तब आत्मस्वरूप में स्थिर हो उससे विचलित नहीं होता। इस अवस्था को पाकर फिर और कोई लाभ उसको अच्छा नहीं लगता, और जहाँ स्थिर होने पर और कोई बड़ा भारी दुख उसको वहाँ से चलायमान नहीं कर सकता। इस अवस्था को दुख संयोग वियोग कारक नामक योग जानना हो तो योग निर्विकल्प चित्त से निश्चल करके जाना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाला समस्त कामनाओं को त्याग कर और मन ही मन में के सकल इंद्रियों को चारों ओर से रोककर धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन कर धीरे धीरे विषयों से दूर हटा ले और भली भांति मन को आत्मा में स्थिर करके किसी वस्तु की इच्छा न करे, और चंचल मन जिधर जिधर जाए उधर से उसको हटाकर आत्मा के वश में करना चाहिए। इस प्रकार शांत चित्त था रजोगुण से रहित निष्पाप तथा ब्रह्म स्वरूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस रीति से निरंतर योगाभ्यास करने वाला योगी समस्त पापों से छूटकर सहज ही उस परम सुख को पा लेता है जो ब्रह्मा के संयोग से प्राप्त होता है। जिसका मन योग में स्थिर हो गया है, उसकी दृष्टि भी सर्वत्र समान हो जाती है, और वह सब प्राणियों में अपने को और अपने में सब प्राणियों को देखता है। जो सब प्राणियों में मुझ में और मुझ में सब प्राणियों को देखता है, उसे अलग नहीं रहता है।
मैं उससे अलग नहीं रहता हूँ और मुझ में वह अलग नहीं रहता है। जो अभेद भाव से रहता है सब प्राणियों में स्थिर वो मेरा मनन करता है, वो योगी चाहे जिस अवस्था में रहे मुझ में मिल जाता है। हे अर्जुन, जो समस्त प्राणियों के दुख सुख को अपने ही दुख के समान समझता है और सबको समान देखता है वही श्रेष्ठ योगी है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने जो योग बताया है सबको अपने ही समान देखो। सब मन के चंचल होने के कारण मैं उसको अपने निधिर स्थिर नहीं देखता हूँ। हे श्री कृष्ण, यह चंचल मन बड़ा ही हठी पराक्रमी और दृढ़ है। इसका अपने अधीन रखना तो वायु को बांध रखने के ही समान प्रतीत होता है। हे श्री कृष्ण, भगवान ने कहा, हे महाबाहो, इसमें संदेह नहीं कि मन अति चंचल है। इस वश में करना बड़ा ही कठिन है, तो भी हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। जिसका मन वश में नहीं उसको योग अति दुर्लभ है। अर्जुन ने कहा, हे अर्जुन, जिसमें श्रद्धा तो है पर योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है और जिसका चित्त योग से विचलित हो गया है वह योग सिद्ध न पाने से किसी गति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जिसका यहाँ नाश नहीं होगा और परलोक में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कर्म करने वाले किसी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। वह योग में असफल मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है और फिर वहाँ से किसी पवित्र और धर्मान वस्तु के घर में आकर जन्म लेता है। जिस प्रकार जन्म पाना भी इस लोक में बड़ा दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, यह योगियों के वश में जन्म लेकर पूर्व जन्म के बुद्धि संस्कार अर्थात आत्मज्ञान को पाता और उसे अधिक सिद्धि के लिए यत्न करता है। पूर्व जन्म में किए गए योग अभ्यास के बल में अनेक विघ्नों के पड़ने पर भी वह मोक्ष को प्राप्त होता है। योग की केवल इच्छा ही हो तो पुरुष शब्द ब्रह्म के परे जा पहुँचता है। जो बड़े परिश्रम और यत्न से योग अभ्यास करता है वह पापियों से छूट मोक्ष को पाता है। बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ हैं, जो शुद्ध होकर अनेक जन्मों में परिश्रम करके सफल होता है, और ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो, केवल मुझ में ही मन लगाकर योग प्राप्ति के लिए जो मेरा भजन करता है उसको समस्त योगियों में से मैंने अत्यंत श्रेष्ठ माना है।